नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वैसे मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि हमारे घर में जो हम पालतू जीव रखते हैं वो किस तरीके से हमारे जीव हमारी जान की रक्षा करते हैं, हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं। दोस्तों, हर जीव कुछ न कुछ प्लस ही करता है। दोस्तों, जैसे अगर आप अपने घर में फिश रखते हैं, एक्वेरियम रखते हैं, तो उससे आपके घर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। कछुआ अगर आपके घर में है तो आपकी धन समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपके घर में डॉग है वो आपकी रक्षा करता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है। और अगर दोस्तों कैट है अगर आपके घर में, तो याद रखिए, अगर वो आपके घर में कभी बच्चे देती है तो उसकी जार आप ले लें, तब तो आपको आपकी उन्नति को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप नहीं भी ले पाते हैं दोस्तों, तो भी उसकी जो जार है आपके घर में गिरती है, इससे भी आपके घर में दोस्तों अथाह धन आने लग जाता है। और इन सब के सिवाय आज जो मैं आपको स्पेशल बताने जा रही हूँ वो है मेढक के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में मेढक है, कहीं से आ जाते हैं, तो दोस्तों समझिए ये आपके अच्छे लक की आगाही है। ये बता रहा है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। बारिश के सीज़न में देखिए दोस्तों, ज़्यादातर मेढक आपके घर में अंदर तक आ जाते हैं। लेकिन अगर बारिश की सीज़न नहीं भी हो और अगर मेढक आपके घर में आते हैं दोस्तों, तो बहुत ही शुभ होता है। बारिश में आते हैं तो भी अच्छा ही है। आपके घर में क्यारी में दोस्तों अगर कहीं मेढक का वास है, तो ज़रूर उसमें पानी छाट करके रखें, ताकि मेढक उसमें हमेशा बने रहें। देखना कभी आपके घर में जो चौकड़ी है उसमें मेढक रहेंगे, घर में जो छुपी हुई जगहें हैं जैसे फ्रिज के नीचे हैं, ऐसी जगह पर मेढक आकर के वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब जब आपके घर में फ्रॉग्स आते हैं, मेढक आते हैं, रहते हैं, आपके घर की प्रॉस्पेरिटी खूब बढ़ती है। तो दोस्तों, आपके घर के अंदर अगर मेढक रह रहे हैं, तो किसी बर्तन में जैसे थाली जैसा कोई ऐसा बर्तन, उसमें थोड़ी सी गीली मिट्टी रखा करिए, ताकि उसमें वो आराम से बैठ सकते हैं। और दोस्तों, अगर जीवित फ्रॉग्स नहीं है, मेढक नहीं है, तो फेंग शुई का मेढक आता है, जिसके मुंह में सिक्का होता है। दोस्तों, आप इस मेढक को अपने घर में रखें। शाम के समय स्पेशल दोस्तों, जब आप दिया लगाते हैं अपनी देहरी पर, ये दिया दोस्तों आप आंकड़े का जो फल होता है और उसमें जो रुई बनती है, उस रुई से अगर आप घी का दिया अपनी देहरी पर लगाते हैं, आपकी मुंह मांगी मुरादें पूरी होने लग जाती हैं। और जब आप ये दिया जलाते हैं, तब इस मेढक को जिसके मुंह में सिक्का होता है, आप उसको इस तरीके से रखिए देहरी में, जैसे वो आपके घर में पैसे लेकर के एंटर हो रहा है। शाम के समय जितनी देर आपका दिया जलता है, प्रज्वलित रहता है दोस्तों, उस समय इस मेढक को जरूर उस दिए के आगे कुछ दूरी पर, 1 या 2 इंच की दूरी पर रख दीजिए। बिल्कुल आपको ये फील होना चाहिए, ये मेढक मेरे घर में पैसे लेकर के आ रहा है। दिया शांत हो जाने के बाद दोस्तों, आप इस मेढक को ऐसे रखें घर में जैसे वो एंटर हो रहा है। जैसे आपके घर में अगर सोफ़ा है दरवाजे के पास, तो उसके बिल्कुल थोड़ा यार्ड में रख दीजिए। कहीं टेबल है तो टेबल के नीचे, ताकि आने जाने वालों की नज़र उस मेढक पर ना पड़े। इन सिंपल एंड सोबर लैंग्वेज, अनदर पीपल्स जो आपके घर में दूसरे लोग आ रहे हैं दिन में, उनकी नज़र इस मेढक पर नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से छुपे ढंग से वो सिक्का मुँह में रख करके अगर आपके घर में एंटर होता हुआ आप उसका स्टैचू रखते हैं, तो दोस्तों आपके घर में धन संपत्ति बढ़ने लग जाती है। आवक के जो छुपे हुए स्तोत्र हैं वो खुलने लग जाते हैं। और दोस्तों, ये जो है फेंग शुई की कोई भी दुकान है वास्तुशास्त्र में, जो इनकी जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको ये मेढक मिल जाएगा। अभी तो डीमार्ट्स वगैरह में भी ये मेढक बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। ये खुद मेरे अनुभव है कि अगर जीवित है तो बहुत बेस्ट है, अगर जीवित नहीं है तो उसका ऐसा स्टैच्यू रखिए घर में, जिसमें उसके मुंह में पैसा है और वो पैसे को लेकर के आपके घर में एंटर हो रहा है। दोस्तों, छोटा सा काम और ढेर सारी आवक, ज़रूर करिए दोस्तों इतना। और मेरी चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करनी है दोस्तों। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो, अच्छी नहीं लगती हैं तो, आप अपने विचार ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे आगे की वीडियोस कैसे तैयार करनी है और मुझे अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्णा।